आज के क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। MCO 1 आज करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक दो क्वेश्चन करा दिया था। ये क्वेश्चन है जो कि बेसिक फीचर्स बताता है ऑर्गेनाइजेशन का। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, इसको भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। यस आप सभी को आवाज आ रही है? आकांक्षा, आर यू अवेलेबल? शी हैज ज्वाइंट बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आकांक्षा, आर यू ऑडिबल? आकांक्षा, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। आई होप कि वो ज्वाइन कर ले जल्दी ही। तो हमारा टॉपिक जो है वो यस MCO 1 से रिलेटेड है, और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। और काफी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि काफी कॉमन भी है। बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक फीचर होता है, क्या क्या विशेषताएं एक संगठन में होती हैं, उसी के बारे में ये पूरा लेक्चर जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट जी करते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन यस टिपिकली रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज दैट कम टुगेदर विद अ शेयर्ड पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिपिकली हम किसको कहेंगे? एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, एक क्या कहेंगे उसको, मतलब एक तैयार किया हुआ ग्रुप। ऐसा नहीं कि जस्ट तैयार किया हुआ है, उसमें सारी चीजें मेंशन है कि किसको कौन से काम करने हैं वगैरह वगैरह। तो एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है एक तरीके से, ओके, जहाँ पे यस इंडिविजुअल्स भी हैं और साथ ही साथ एंटिटीज भी हैं, या यहाँ पे हालांकि और में बोला गया है, बट वहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दोनों ही होती हैं। कभी कभी सेम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एंटिटीज होती हैं जो कि साथ में मिलकर के काम करती हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, दैट कम टुगेदर विद अ शेयर्ड पर्पस। जो पर्पस है दोनों का, एंटिटीज का या इंडिविजुअल्स का, वो सेम है। सेम पर्पस या फिर सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वो आपस में जो है मिल करके एक काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो जिस अम्ब्रेला के अंडर में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन वैरी वाइडली इन टर्म्स ऑफ साइज, नेचर एंड गोल्स, बट दे ऑफन एग्जिबिट सर्टेन बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्चुअली वैरी कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, या फिर उनके नेचर के अकॉर्डिंग, या क्या उनकी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो लोग जो है वेरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ बेसिक फीचर जो है वो सेम होता है। सबका बेसिक फीचर सेम ही होता है। वो नहीं, बेसिक बेसिक फीचर्स के हम लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेयर आर सम ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर सेम, दोनों दोनों का मतलब जो है सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, सो यस ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप का मतलब ये नहीं कि बस एक ग्रुप बना दिया गया। स्ट्रक्चर्ड मतलब सारी चीजें डिफाइंड है कि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट होगा, यस वो बंदा वो काम करेगा, ऐसे करना है, अथॉरिटी इस तरीके से होगा, ऊपर वाला जो है नीचे वाले को ऑर्डर देगा, नीचे वाला उससे नीचे वाले को ऑर्डर देगा, चेन ऑफ कमांड किस तरीके का होगा, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट आउटलाइंस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी की हायरार्की है, मतलब लोअर अपर से जो लोअर लेवल की जो हायरार्की होती है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले को ऑर्डर देगा, नीचे वाला उसके सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा, वो जो है अपने इम्प्लॉइज को ऑर्डर देगा, इस तरीके से करके जो है जो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है वो एक तरीके से आउटलाइंड होगा कि ऐसे होने वाला है। सबको अपने रोल्स पता होंगे कि किसका क्या काम है, एंड रिलेशनशिप विद द ग्रुप, और आपको आपका ग्रुप के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसा मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीजें जो है आपको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिख जाएंगी। दिस स्ट्रक्चर हेल्प यस सर एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये जो स्ट्रक्चर है काफी आपकी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाने में। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई डिसीजन लिया गया है, तो उस इंफॉर्मेशन को सारे लोगों तक कन्वे करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का सही होना जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट तो सारा तीनों तक पहुंचा, उसके बाद इंप्लॉइज को पहुंचना, सबॉर्डिनेट्स को पहुंचना, क्रेडिटर्स को पहुंचना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तभी बढ़िया होगा जब आपका स्ट्रक्चर बढ़िया हो। ठीक है, तो अच्छा स्ट्रक्चर के राइट कारण से आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काफी अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी अच्छा होता है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप तभी ले पाओगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन सही आएगा, और इंफॉर्मेशन तभी सही आएगा जब आपका हायरार्की लेवल अच्छा रहेगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन यस सही आ रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आपका जो है बहुत इजीली हो जाएगा। आपको सपोज कोई डिसीजन लेना है यस सेल्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको डिसीजन लेना है, तो आपको परचेस डिपार्टमेंट, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट, सभी के साथ कंसल्ट करके चीजें आपको करनी होगी। तो सारी चीजें जब एक साथ अलाइंड होती है, सब कुछ एक साथ बहुत ही आसानी से होता है,
तो ही आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो तुरंत हो पाता है, नहीं तो समय लग जाता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है। तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड होती है कि किसका क्या, कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है। अगर कोई काम किसी को दिया जाता है और वो नहीं कर पाता है तो वो उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, उसको उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी काम में। अगर आप जवाबदेही तय नहीं करोगे किसी की भी, तो वो जो है अपने मर्जी से अपने काम को करेगा, ना भी करेगा, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी तैयार करना बहुत जरूरी है, जो कि हेल्प करता है स्ट्रक्चर उस चीज को करने में। स्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां पे वो चीज जो है काफी आसान तरीके से हो पाती है। सेकेंड पॉइंट है पर्पस। एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एक्चुअली, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है ना। एग्जिस्ट और एग्जिस्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो होता है कि एग्जिट कर जाना, और यहाँ पे एग्जिस्ट मतलब एक तरीके से रहना, उस एग्जिस्ट करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पस। एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है अपने किसी स्पेसिफिक गोल या फिर किसी की पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए। तो पर्पस का होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका, आप कुछ सोच करके रखे हैं कि उस काम को करने से मुझे ये आउटकम मिलने वाला है, तो आपका कोई ना कोई गोल जरूर रहता है, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो हो गया था, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट, जहां पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। पर्पस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और कनेक्टिविटी का इश्यू है। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, ऐसा तो जनरली होता नहीं है। बारिश वगैरह भी अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है, बट कोई नहीं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। पर्पस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के कारण ही एग्जिस्ट करती है। वही बात यहाँ पे बोली गई है। द पर्पस कुड बी प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। पर्पस ये हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। एडवोकेटिंग फॉर अ कॉज, किसी एक कारण की वजह से आप जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस कर रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं रोलेक्स का, रोलेक्स घड़ी के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका पर्पस यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं है। उनका जो कॉज है, जो मेन कॉज है, वो है कि एनजीओ को चलाना। वो एक एनजीओ के तहत चलाया जाता है, और जो भी प्रॉफिट वहां से निकल करके आता है, कुछ पैसे जो है वापस से इन्वेस्ट हो जाते हैं घड़ियों को बनाने में, और कुछ पैसे जो है वो डायरेक्टली इन यू नो एनजीओ में चले जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। सो एडवोकेटिंग फॉर अ कॉज, जनरेटिंग प्रॉफिट, कंडक्टिंग रिसर्च और एनी अदर ऑब्जेक्टिव दैट ब्रिंग्स द मेंबर टुगेदर। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जिसके कारण से जो है बहुत सारे मेंबर्स आपस में मिलकर के काम करते हैं, तो वो पर्पस का होना जरूरी है। पर्पस भी जो है हमें देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसका बेसिक फीचर है, स्ट्रक्चर होना, पर्पस होना, बेसिक फीचर है। तीसरी बात है मेंबर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन तभी बोलेंगे जब वहां पे मेंबर्स होंगे। अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है तो उसको तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है ऑर्गेनाइज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में प्रोसीड करना, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बहुत सारे लोग मिलकर के आपस में काम करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु जॉइन टुगेदर वॉलंटरली और आर असाइंड रोल्स विद द ग्रुप, ठीक है। या फिर तो वो लोग वॉलंटरली जुड़ते हैं, अपनी मर्जी से, इच्छा शक्ति से जुड़ते हैं, या फिर तो उनको असाइन किया जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी एंटिटी को वो लोग असाइन कर देता है कि तुम इस काम को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स होंगे, मेंबर्स कैन इंक्लूड इंप्लॉइज, मेंबर्स में इंप्लॉइज आ जाएंगे, वॉलंटियर्स आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिनका उसमें एक तरीके से पैसा लगा है या उनका इंटरेस्ट है, और एनी अदर इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मेंबर्स में ये सारे लोग जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का मतलब हो गया कि जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके का है, जो फ्लो ऑफ मैनेजमेंट है, जो फ्लो ऑफ, जो चेन ऑफ कमांड है, वो किस तरीके का है। गवर्नेंस मतलब उसको गवर्न करना, उसको चलाना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे करके चलाओगे, वो बेसिक फीचर है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही चलाता है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो वो चलेगा कैसे। तो गवर्नेंस होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ये इसीलिए इसका एक बेसिक फीचर देखने को मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन प्लेस टू मैनेज एंड रेगुलेट देयर ऑपरेशंस, है ना। वही बात बोली गई है कि अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए उनके पास टिपिकली जो है एक तरह का एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्ट करता है। दिस कैन इन्वॉल्व अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हो सकता है, और अदर गवर्निंग बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस विद रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है।
ये वो सारी चीजें हो सकती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज हो सकती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, और ताकि वो लोग जो जो रेलेवेंट लॉज है, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी लॉ से बाइंडेड हो, तो उन लॉज को, उन रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने का काम जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का होता है ना? तो वो काम जो है गवर्नेंस के थ्रू किया जाता है बाय दीज पीपल्स, ठीक है? गवर्नेंस मतलब वो जो चीजें कर रहे हैं वही गवर्नेंस के अंडर में आ जाएंगी। कौन कर रहे हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी जो है वो उस काम को कर रही है। और क्या कर रही है? तो वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को एक तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है? राइट फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। आप अपने जो भी चीज आपने किया है उसको आपको फॉरवर्ड करना होगा अपने सीनियर को, सीनियर किसी और को फॉरवर्ड करेगा, तभी आपका काम जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम अभी हो रहा है और मुझे उसकी जानकारी अगर अगले दिन 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद हो रही है, तो इसका मतलब आप इफिशियंटली काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? और कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि अभी अगर आपने कुछ किया है तो उसकी जानकारी तुरंत जो है आपके सबॉर्डिनेट्स को, आपके इम्प्लॉइज को पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट कर सके। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन ही ठीक टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो वो लोग उस काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो कम्युनिकेशन सही होना बहुत जरूरी है, वही बात बोली गई है। इट एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन मेंबर्स, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेटिंग टूवर्ड्स कॉमन गोल, है ना? तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है, एनेबल करता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करें, अपने इंस्ट्रक्शंस को एक्सचेंज करें, और सारे के सारे लोगों तक, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो लोग जो है अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी उनको चीजें करनी है वो चीजें वो लोग कर सकें। कम्युनिकेशन चैनल्स कैन इंक्लूड मीटिंग्स। कम्युनिकेशन चैनल में यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा, ईमेल्स हो जाएगा, मेमोज हो जाएगा, रिपोर्ट्स हो जाएगा, वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो जाएगा। अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत आसान है ना? मुझे अगर कोई बात कन्वे करनी है आप लोगों तक, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली कोई मैसेज कर दूंगा, आराम से हो जाएगा। पहले के जमाने में थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा जो है मेमोज वगैरह छापने पड़ते थे, नोटिस वगैरह चिपकाने पड़ते थे, बट अभी के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारा चला जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मेल वगैरह का भी काफी इस्तेमाल होता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेल पे ही सारा जो है कॉर्पोरेट चल रहा है, बगैर मेल के कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है जिसके कारण कम्युनिकेशन जो है और बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। तो ये एक बेसिक फीचर हो गया। छठा है रिसोर्सेस, ठीक है? आपके पास रिसोर्सेस हैं तभी आप काम कर रहे हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होती हैं। अब रिसोर्सेज बहुत तरह की हो सकती हैं। रिसोर्सेज आपके पास कैश है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कैश का आवश्यकता होती है, वो आपके पास है, वो आपका एक रिसोर्स हो गया। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, है ना? यहाँ पे फिजिकल एसेट, कैपिटल, कैपिटल मतलब वही कैश की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होती हैं, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हो, ठीक है? सो ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्स रिसोर्सेज टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज। दीज रिसोर्सेज कैन इंक्लूड फाइनेंशियल कैपिटल। इन रिसोर्सेज में फाइनेंशियल कैपिटल आ जाएगा, फिजिकल एसेट आ जाएगा। फिजिकल एसेट मतलब सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन है आपके पास, वही आपका फिजिकल एसेट है। वो एक तरीके से आपके लिए एसेट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को बना रहे हो। तो फिजिकल एसेट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंप्लॉइज और वॉलंटियर्स, वट एवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, एंड अदर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो आपको दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी, जैसे गुडविल होता है, ठीक है ना? ये भी एक तरह का रिसोर्सेस ही है। ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज विच हेल्प बिजनेस टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज, ठीक है ना? तो ये हो गया। सो ये भी एक बेसिक आपका फीचर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सातवां नंबर है कल्चर। तो कल्चर तो जैसा मैंने बताया था ऑलरेडी, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो उसके लोगों के अकॉर्डिंग बनता है, और कल्चर ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। जब बिजनेस वर्क करने लगती है, 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, तो वहां एक कल्चर तैयार हो जाता है कि बिजनेस अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर लोग टाइम पे आ रहे हैं, सारी चीजें ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो वहां का कल्चर बहुत स्ट्रांग है, लोगों का तरीका है जो है काम करने का वो बहुत सही है, तो वो सारी चीजें एक तरीके से बन जाती हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो बन जाएंगी, तो वो बेसिक फीचर में इसीलिए है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स,
नॉर्म्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, बिहेवियर्स दैट शेप द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी एंड गाइड इट्स मेंबर्स एक्शन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी कि जो आपका वैल्यूज है वो आप शेयर्ड कर रहे हो, शेयर्ड वैल्यूज है मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वही दूसरे बंदे का भी इंटरेस्ट है, जो आपकी सोच है वही दूसरे बंदे की भी सोच है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो सबका कॉमन गोल है, तो सबका सेम तरीके से सोचना, वैल्यूज को उनका बिलीव्स होना, नॉर्म्स जो चीजें हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए बराबर होती है, तो वो कल्चर जो है वो तैयार हो जाता है। यस बिहेवियर्स यस और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स हम लोगों ने किया था एक लेक्चर में, है ना। तो एक तरीके से उसी उन्हीं सब चीजों के कारण जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी बनती है कि और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा है। HDFC, SBI जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज है हमारे इंडिया में, सबका जो कल्चर है काम करने का वो बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए वो लोग जो है अभी तक मार्केट में है। HDFC अभी तक मार्केट में है, SBI तो खैर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो तो रहेगी, बट HDFC का नाम ले लो, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक जो है वो HDFC है। तो उसकी जो उसका जो वर्क कल्चर है, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ उसका ना, तो पता चलता है कि क्या उनका वर्क कल्चर है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है, तो वो बन जाता है एक्चुअली। तो वो सारी चीजें हैं, कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट मेक डिसीजंस। अब जो वहां का कल्चर है वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अगर आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका सर्विसेज जो है वो बहुत, अभी के टाइम पे सर्विसेज बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि कैसा भी हो, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, बट अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी भी है पर अगर आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो सर्विसेज सही होनी बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि सर्विसेज, अब सर्विसेज तभी बेहतर होंगी जब आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, जब आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो जब अच्छा हो जाता है तो आपका जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ वो बहुत बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। आप डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो, वर्क टुगेदर, आप साथ में मिल करके काम करना, है ना, एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल इन्वायरमेंट। और इसके कारण से जो ओवरऑल ऑल इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होता है, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई। 8वां नंबर पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। सो अडेप्टेबिलिटी में बेसिकली अगर हम लोग समझ सकते हैं कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो भी कंडीशंस हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा। अगर कोई कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो आपको तुरंत उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपने बिजनेस जो पॉलिसीज है स्ट्रेटेजीज है उसको थोड़े बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ेगी। पर अगर सुटेबल है, सही है आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वहां पे अडाप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अडेप्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी बहुत जरूरी है कि आप कितना जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जब एंड्रॉयड नया नया आ रहा था उस टाइम पे सबके पास नोकिया का फोन था, इवन मेरे पास भी था, बट जैसे ही एंड्रॉयड आया नोकिया मार्केट से गायब हो गया। वो क्यों गायब हो गया? बिकॉज वो अडेप्ट नहीं कर पाया। उसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि एंड्रॉयड जो है काफी पॉपुलर होता जा रहा है लोगों में, तो उसको भी उसी टाइम पे एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च करने चाहिए थे, बट उन लोगों ने उस टाइम पे एंड्रॉयड को उतना भरोसा किया नहीं, उनका सिम्बियन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो उसी पे चला रहे थे। बाद में फिर उन लोगों ने विंडोज पे शिफ्ट कर गए, लेकिन विंडोज तो भाई लैपटॉप में ही सही लगता है, फोन में विंडोज नहीं चलने वाला ठीक से। तो एंड्रॉयड जो कि उन लोगों ने नहीं अपनाया, जिसके कारण से पूरी की पूरी नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई। अभी के टाइम पे हालांकि थोड़ा बहुत उनका मार्केट शेयर है, बट स्टिल अभी भी उस तरह का क्रेज नहीं है जैसा हम लोग के टाइम पे था। उस टाइम पे भी हम लोग देखते थे 15,000 20,000 का फोन था, मैं आज से 10 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, काफी बेहतरीन फोन थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई एंड्रॉयड वगैरह कुछ नहीं था, सिम्बियन प्लेन सिम्बियन पे चलता था, लेकिन इतना क्रेज था उस फोन का कि मैं क्या बताऊं। तो वो चीज होती है, आपको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है तुरंत कि क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल चीजें जो है बदलाव में आ रही हैं। अब सपोज अभी ओप्पो वीवो की बात करते हैं, अभी के टाइम पे जैसे मार्केट से जो कैमरा फोन का एक तरीके से ये लोग प्रमोट करते हैं खुद को, एक टाइम पे जो है फूजी फिल्म या कोडक वगैरह का जो है काफी ज्यादा ऐड चलता था, कैमरा वैमरा फोटो वोटो खिंचवाने के लिए हम लोग को स्पेशली स्टूडियो जाना पड़ता था। बट अभी के टाइम पे स्टूडियो स्टूडियो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी प्रिंट आउट भी आप खुद से निकाल लोगे, फोटो भी आप खुद से कर लोगे, क्योंकि सारी चीजें आपके फोन में है, तो उसके कारण से वो सारी जी चीजें जो है बिल्कुल बंद हो गई। अब यहाँ पे कोई अगर फीचर फोन निकाल रहा है कॉन्टिन्यूअस, आप अभी जबकि कैमरा फोन का जमाना है, तो डेफिनेटली वो कंपनी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी मार्केट में ट्रेंड है, जो मार्केट में जो जो चीजें हो रही है आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ पे बोली गई है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी अडेप्टेबल टू चेंजेस इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मार्केट ट्रेंड्स। जो भी मार्केट ट्रेंड्स है उसको आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी चीजें बदलाव हो रही है मार्केट में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपके पास भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए।
अगर आपके पास वो टेक नहीं होगा तो आप मतलब लॉन्ग रन में आप चल नहीं पाओगे। रेगुलेटरी एक्सपेरिमेंट ये भी कॉन्टिन्यूस वे में होना बहुत जरूरी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली। तो एंड अदर फैक्टर्स दैट मे इम्पैक्ट देयर ऑपरेशंस, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि उनके ऑपरेशंस को एक तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, और इन चीजों को आप तभी टैकल कर पाएंगे जब आपकी अडैप्टेबिलिटी की जो एक एक तरीके से जो आपका जो क्या कहेंगे जो जो आपके पास अडैप्टेबिलिटी की जो चलिए क्या कहेंगे यार उसको, आपके पास वो चीज करने लायक आप हो या नहीं हो, वो होना बहुत जरूरी है। अब अडैप्टेबिलिटी आपको अडैप्ट करनी पड़ेगी जितने जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि आप मार्केट में वो ऑफर कर सकें जो मार्केट को चाहिए। अगर आप वो चीज ऑफर नहीं कर पाएंगे, आपके पास अगर वो दम नहीं होगा, दम सही वर्ड नहीं है एक्चुअली बिजनेस के लिए, मतलब आपके पास वो चीज होनी चाहिए जिसके कारण से आप कर पाओ, है ना, पावर वो होना चाहिए अडैप्टेबिलिटी अडैप्टेबल करने का, अडैप्ट करने का चीजों को, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड जी एजिलिटी आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, एजिलिटी होना बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना चाहते हो। तो यस फ्लेक्सिबिलिटी ही की बात की जा रही है एक्चुअली, अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी का मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब सेम, दोनों दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। टू हाँ, टाइम मतलब दोनों का मतलब सेम नहीं अकॉर्डिंग है। टू टाइम यस टाइम यस के हिसाब से, समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से यू शुड बी चेंज योर सेल्फ। हाँ राइट। वॉट एवर द मार्केट डिमांड्स, यू विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड्स, और जो भी उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को, और खुद को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं हो सकते। आप अगर ये बोलोगे कि मैं अभी भी लूमिया ही चलाऊंगा तो उससे नहीं चलने वाला, लूमिया नहीं चलेगा अभी के टाइम पे, आपको एंड्रॉयड ही चलाना पड़ेगा। तो वैसा है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी खुद के अंदर लानी होगी। है ना सर? राइट। नाउ नाइन्थ नंबर पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई जिसको बोलते हैं, टू इवैल्यूएट देयर प्रोग्रेस एंड मेजर सक्सेस, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक तरीके से केपीआई होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं एक्चुअली, उनका एक बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसके जरिए वो खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि उनका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, जो उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो किस तरीके का है। तो वो सबके सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। वो लोग डिफरेंट मेट्रिक्स बना करके रखते हैं कि हम लोग चेक करेंगे हमारा सेल्स अगर इतना है तो हम लोग ठीक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट ईयर हमारा सेल 2% या बाई 3% अगर घट गया तो क्यों घटा उसके बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें जो है अपने उनके केपीआई उनके मेट्रिक्स के द्वारा ही चीजें वो लोग जो है करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ दीज मेट्रिक्स हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स ऑन द ट्रैक टुवर्ड्स इट्स गोल, है ना। तो ये केपीआईज आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी सेल्स जो है वो घट रही है साल दर साल 2% 3% से, तो क्यों घट रही है वो पता आपको तभी चल पाएगा जब आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, आप रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। अगर आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली अदर प्रोडक्ट अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स के मुकाबले, तो वो क्यों है आपको पता करना पड़ेगा उस चीज में, ये जो है आपको हेल्प करेगा। आपको खुद को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, तो इसमें जो है आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं ये चीजें करके। आप सही डिसीजंस ले सकते हैं, जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आप इन्फॉर्म डिसीजन होगा, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डिसीजन ले लिया बिना किसी सोचे समझे, आपके पास जानकारी कंसेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स ऑन ट्रैक, और ये चीजें अगर आप करते हैं तो जो आपका जो गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं उसी ट्रैक पे आप बने रहेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये एक फायदा जो है देखने को मिलता है, और ये एक बेसिक फीचर है। इसको एंड करता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री पर्पस और स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका पर्पस है, क्या उनका स्ट्रक्चर और अदर फैक्टर्स के बेसिस पे वो लोग जो है वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले वो सेम ही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दोनों का इंडस्ट्री अलग अलग हो, कोई मेडिकल इंडस्ट्री में है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो और उसके काम करने का तरीका, सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। द फीचर्स डिस्क्राइब्ड अबव प्रोवाइड अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स अभी किए हैं वो बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि तकरीबन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये काफी बेसिक था। सो दैट्स इट। ये लिंक मैं इसका शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी आई गेस आपके पास होगा भी, मैं तो कह ही रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले आप एक बार विजिट करके इन सबको स्टडी कीजिए खुद से, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जो पीडीएफ से कराता हूँ वो पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? वी डाउनलोड ऑफ एवरी पीडीएफ एंड प्रिंट इट।
एंड वी रिवाइज एवरी डे। डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं। आपका स्टडी उतना बेहतर होगा जितना आप रिवीजन करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो डेली एक दो घंटा अगर आप देते हैं बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। एक दो घंटा तो काफी ज्यादा है। रिवाइज लेकिन आपको करते चलो रहना पड़ेगा, जो मैं करा रहा हूँ उसको भी, और जो मैं नहीं करा रहा हूँ मतलब जो क्वेश्चन हम लोग आगे ना आने वाले समय में करने वाले हैं, यहाँ पे जो वेबसाइट में क्वेश्चन अवेलेबल है ये तो लाइक आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हाँ मिले आप सर थोड़ा बहुत जो है इसको पढ़ लिया कीजिए, जी बिल्कुल ठीक है? यस। ओके देन। सो अगला क्लास का स्केड्यूल मैं शेयर कर दूंगा। कल सुबह तो आप लोग नहीं कर पाएंगे आई गेस, आकांक्षा। कीप इट इन मॉर्निंग में क्लास आई रहता थिंक। है, आकांक्षा को तो सुबह में क्लास रहता है नहीं सैटरडे? जी सर, जी सर। हेलो सर, मेरा आवाज नहीं आ रही ओके, है। माइक इश्यू है आई गेस, सर कोई कीप द नहीं। क्लास इन द इवनिंग टुमारो, कीप द क्लास इन द इवनिंग आंसर। हाँ, वी विल डू द क्लास इन द इवनिंग एंड आई शेयर द, जो भी टाइमिंग होगी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके सर ओके ओके सर, गाइस, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर, बाय। गुड नाइट, बाय ओके सर। सर, थैंक यू।